हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी एसेंचर के कैंडिडेट हो तो गाइस आपके लिए इस वीडियो में दो सबसे बिगेस्ट अपडेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें गाइस पहला अपडेट आपके मिसमैच मेल से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें एडिशनल एड्रेस मिसमैच का मेल कैंडिडेट को देखने को मिला है। इसके पीछे के रिजल्ट क्या है वो गाइस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। दूसरी अपडेट गाइस, मोस्ट अपडेट कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी फ्रेशर्स हैं, अभी इन्होंने अपना असेसमेंट कंप्लीट किया हुआ है, इंटरव्यू कंप्लीट किया हुआ है, और कब तक इनको रिजल्ट देखने को मिलेगी, उस पर क्या एसेंजर की तरफ से मेल कैंडिडेट्स को रिसीव हुए हैं, उसको भी गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई, ये दोनों अपडेट को वन बाय वन एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो गाइस विदाउट डिस्क्रिप्शन एंड तक देख सकते हो। ये गाइस वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, अगर आप भी एसेंचर के कैंडिडेट हो तो गाइज आपके लिए इस वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में गाइज बात करने जा रहा हूँ, जिसमें गाइज आपको पहला अपडेट मैं बताऊंगा, अपडेट ऑन योर कैंडिडेचर स्टेटस। ये गाइज मोस्ट अपडेट कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू अभी फिलहाल में कंप्लीट किया हुआ है, उनके पास गाइज इस टाइप का अपडेट देखने को मिल रहा है। दूसरा अपडेट गाइज मैं आपको मिसमैच मेल से रिलेटेड बताने वाला हूँ, जिसमें गाइज मोस्ट अपडेट कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एजुकेशन मिसमैच है, किसी का एड्रेस मिसमैच है, इसका गाइज मेल इनके पास देखने को मिल रहा है। तो गाइज वन बाय वन दोनों अपडेट हम लोग देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले गाइज हम लोग अपडेट योर कैंडिडेट स्टेटस पे बात करें तो गाइज आप लोग यहाँ मेल देख सकते हो। हाय कैंडिडेट, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इंटरव्यू राउंड। वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो गाइज इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइज आपको ये मेल के थ्रू बताने वाले हैं, और आपके परफॉर्मेंस को अभी रिव्यू कर रहे हैं गाइज। जैसे ही आप सारे कुछ रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आपको 10 to 15 वर्किंग डेज में गाइज आपको ये रिप्लाई देने वाले हैं। और गाइज जैसा अपडेट होगा, सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन का मेल भेजेंगे, अगर रिजेक्शन होगा तो गाइज रिजेक्शन का मेल भेजने वाले हैं गाइज। तो गाइज मैं बता दूं कि बस ये 10 से 15 दिन बताया जाता है, लेकिन गाइज ये 1 मंथ भी लग सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं, या 2 वीक या 10 12 दिन भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स करता है उनके गाइज टाइम लाइन्स पे। तो गाइज इसको लेकर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बोला हुआ है, काइंडली अवेट फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस ऑन योर कैंडिडेचर, वी विल गेट बैक यू विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो गाइज आप लोग इस पर क्लिक करके टिकट रेज कर सकते हो गाइज। उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट अपडेट है, ये आपके मिसमैच से रिलेटेड होने वाली, नोटिफिकेशन एजुकेशन मिसमैच जॉब अप्लीकेशन फॉर्म एडिट, इस नाम से गाइज आपके पास मेल देखने को मिल रहा है। और गाइज मैं बता दूँ कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार कैंडिडेट्स के पास ये मेल अपडेट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गाइज ये आपके जॉब अप्लीकेशन फॉर्म को एडिट का जो ऑप्शन है उसको इन्होंने इनेबल कर दिया, जहाँ पे जाके जो उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। आप लोग गाइज इस मेल से देख सकते हो, डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग फ्रॉम एसेंचर, वी हैव रीएक्टिवेटेड योर जॉब अप्लीकेशन एडिट फॉर्म, विजिट द लिंक बिलो एंड फिल आउट द रिक्वायर्ड डिटेल्स विद इन 24 आवर्स। तो गाइज अगर आपको मिसमैच का मेल आता है तो गाइज आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करना ही करना है। तो गाइज इसके लिए इन्होंने आपके जॉब अप्लीकेशन फॉर्म है उसको रीएक्टिवेट कर दिया है, तो आप लोग जाके एडिट करके वहाँ अपनी जो भी डिटेल्स मांगा जाए वो फिलअप कर सकते हो। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लेना, और एजुकेशन डिटेल्स अपडेट गाइज इसमें बताया गया है तो आपको ये देना होगा। कमेंट में इन्होंने बोला हुआ, रिक्वायर्ड टू अपलोड एजुकेशन पीरियड 4 ईयर्स इन वर्क डे, ये गाइज आपको करना ही करना है। ऐसे ही गाइज कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एड्रेस रिलेटेड अपडेट देखने को मिल रहा है, उनका पास भी एड्रेस का मिसमैच मेल देखने को आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी कुछ भी इनकोरेक्ट अपडेट वहाँ पे मत दो या अपलोड मत करो डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको इस टाइप का अपडेट देखने को मिले। तो गाइज आप लोग के लिए ये डेली बेसिस पे आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये अपडेट देते रहो, वरना गाइज आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। तो ये दो अपडेट गाइज आ रही थी जो कि एसेंचर की तरफ से आप लोग के लिए थी, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और गाइज मैं बता दूँ कि जो मिसमैच का मेल है, कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग फोकस कर सको और आप लोग जो भी अपलोड करो सही सही करो। चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।